गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ सिप्रा। मैं आज सुनिशा फाउंडेशन रिव्यू शेयर कर रही हूँ। काफी सारा मैंने वायरल वीडियो में देखी है अप्लाई करते ही, जो कि स्किन जो है बहुत ज्यादा फेयर हो जाता है, एकदम से कोरियन स्किन की तरह स्किन हो जाता है। तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस प्रोडक्ट रिव्यू शेयर करने के लिए। मैंने इसको फ्लिपकार्ट से परचेस किया है, तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। और हाँ, मैंने इसको पहले ही ओपन करके देखे है, चेक कर लिए है, ताकि आप लोगों को एक अच्छा सा रिव्यू शेयर कर पाऊँ। इस वजह से मैंने पहले चेक किया, इसके बाद आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो ओपन करके दिखाती हूँ इसके अंदर किस तरीके से प्रोडक्ट है। और हाँ, इसका प्राइस जो है स्क्रीन पे आप लोगों को शो कर रहा होगा, और इसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो वहां से जाकर ले सकते हैं। हाँ, बॉक्स में जो भी कुछ डिटेल्स दिया गया है, जो सब कुछ एकदम से चाइनीज में दिया गया है, तो इस वजह से मुझे एकदम से कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे चाइनीज नहीं आता इस वजह से। तो आप जल्दी से कर लेते हैं बॉक्स को ओपन। एंड इधर दिया गया है जो फाउंडेशन एंड उसका एप्लीकेटर एंड या फेस एंड बॉक्स, बस यही सब दिया गया है, एंड सुनिशा ब्रांड का है। तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। तो इसको ओपन करते ही कुछ इस तरीके से है, देख सकते प्रोडक्ट, जो कि सेम तरीका से मैंने इसको रख दिया, इसी तरीके से था एंड मैंने इसको निकाले थे, बट फिर से मैंने इसको इसी तरीके से रखे हुए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए किस तरीके से था इसमें बॉक्स। एंड ये जो कंटेनर है, देख सकते ये जो कंटेनर है, ये है फाउंडेशन का कंटेनर, एंड काफी ज्यादा क्यूट लग रहा देखने में, देख सकते हैं। एंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, देख के ही पता चलता नहीं, क्वालिटी काफ़ी अच्छा है फाउंडेशन का। और हाँ, इसमें है एक एप्लीकेटर जो कि इस तरीके से बॉक्स में है, जो कि आपको ब्यूटी ब्लेंडर है। तो मैं इसको भी खोलकर दिखाती हूँ पहले, उसके बाद फाउंडेशन पे आएंगे। तो सबसे पहले ब्यूटी ब्लेंडर दिखा देते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर जो है कुछ इस तरीके से बॉक्स में, एंड काफ़ी अच्छा बॉक्स में आप इस तरीके से रख सकते हैं। एंड इसको इस तरीके से ओपन करते हैं, एंड ये है ब्यूटी ब्लेंडर। इसको मैंने एक बार हैंड्स पे ट्राई करके देखे हुए है, जब भी आया था मुझे रिसीव हुआ था तब मैंने इसको चेक कर लिए थे। तो देख सकते हैं इस तरीके से है, एंड एप्लीकेटर काफ़ी सॉफ्ट है, एकदम से सॉफ्ट स्पॉन्ज है, इसका जो स्पॉन्ज है एकदम से सॉफ्ट है। एंड ये जो पकड़ने के लिए है ना, इससे ज़्यादा सुविधा होता है अप्लाई करने में। तो अब इसको रखते हैं, फाउंडेशन पे आते हैं। तो इसको फिर आप इसी तरीके से आप रख सकते हैं, आप कितने दिन के लिए भी रख सकते हैं इसको। एंड फाउंडेशन का कंटेनर आप देख सकते हैं, काफी क्यूट लगता है देखने में इस तरीके से, काफी बड़ा साइज में है। देखते हैं इसके अंदर प्रोडक्ट जो है कितना है, नहीं है। इसको भी इसी तरीके से ओपन, तो कैप को ओपन करते हैं। कैप में भी देख सकते हैं मिरर दिया गया है, जिसके देखकर आप अप्लाई करने में इजी हो, इस वजह से साइड में मिरर दिया गया है। बट मिरर जो एकदम से धुंधला है, एकदम से क्लीन नहीं आता, इस वजह से दिखेगा भी नहीं, जो कि मुझे नहीं दिख रहा था। एंड उसके बाद इसका जो बॉक्स है ना, कुछ इस तरीके से है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट डालेंगे, उसके बाद ये ओपन होगा, वरना ओपन नहीं होगा। तो ये चीज काफी अच्छा चीज दिया गया है, तो जब भी आप अपना यूज करना हो तो उसका फिंगरप्रिंट डाले, ओपन कर ले, आप फिर से आप लॉक करके रख दे, कोई भी आपका सामान जो है यूज नहीं कर पाएगा। ये काफी अच्छा चीज है। और ये सब जो मैंने बातें बोली, जस्ट किडिंग, एकदम से मजाक था ये सब। कैसा लगा मेरा मजाक? कुछ नहीं, सिर्फ फिंगरप्रिंट बना हुआ, निशान बना हुआ और कुछ नहीं। यहाँ से आपको पुल करने के लिए दिया गया, जो कि यहाँ से आप पुल कर सकते हैं इसको इस तरीके से, देख सकते हैं इजिली पुल हो चुका है। एंड इसको इस तरीके से ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से फाउंडेशन आपको दिखेगा। एंड फाउंडेशन के ऊपर जो है एक फोम सीट का ही जो है एक कैप लगा हुआ था, ताकि फाउंडेशन आपको बिखरे ना, बहुत ही सेफ्टी के साथ था। एंड यहाँ पे देख सकते हैं फाउंडेशन में जो कि डिजाइन बना हुआ है। तो मैं एक मिनट आपको फोकस करके दिखाती हूँ, फोकस। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डिजाइन बना हुआ है, और हाँ, डिजाइन के ऊपर अगर आप इसको प्रेस करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर को, तो एकदम से जो है फाउंडेशन जो है इसमें आ जाएगा, एकदम से इजीली अप्लाई कर सकेंगे। तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी अप्लाई करने में इजी होता है या नहीं। और हाँ, ये जो फाउंडेशन है जो वाटर प्रूफ है, तो अप्लाई करके भी देखेंगे वाटर प्रूफ है या फिर नहीं। इस तरीके से आप लोगों को डिजाइन के ऊपर प्रेस करना है, एकदम हल्के हाथ से प्रेस करेंगे ना, तो एकदम से कलर आपको निकल आ जाएगा फाउंडेशन, जो कि देख सकते एकदम से डिजाइन बन के निकल आया हुआ है। एंड काफी अच्छा लग रहा है डिजाइन देखने में। अब जहाँ पे भी ये करेंगे ना, प्रेस करेंगे, वहाँ पे डिजाइन बन के आ चुका जाएगा, जो कि मैं हैंड्स पे आप लोग को दिखाती हूँ, एक स्टैम्प मार्कर इस तरीके से। तो देख सकते हैं इस तरीके से डिजाइन बन गया है, एंड अप्लाई करने में काफी इजी होता है। अगर इस तरीके से डिजाइन बन जाता है तो आप इजीली ब्लेंड कर सकेंगे। पहले हैंड्स पे अप्लाई कर लेती हूँ, उसके बाद आपको फेस पे करके दिखाऊंगी। तो मैं कुछ इस तरीके से अप्लाई करके दिखा रही हूँ, ताकि आप लोग को देखने में अच्छा लगे। तो देख सकते हैं अप्लाई करने में काफ़ी इजी होता है, एकदम से इस तरीके से अगर प्रेस करते हैं एकदम से अप्लाई हो जाता है। और हाँ, मैंने ना ब्यूटी ब्लेंडर कभी गीला नहीं किए, तो अच्छा, काफ़ी अच्छा से ही ब्लेंड हो रहा है अभी भी। एंड गीला करने के बाद तो काफ़ी और भी अच्छे से ब्लेंड होने लगता है।
देख सकते हैं मैंने एकदम से ब्लेंड कर लिए हैं और मेरा ब्यूटी ब्लेंडर जो था मैंने गीला नहीं किए हैं तो भी कितना अच्छा से ब्लेंड कर दिए हैं, एकदम से पता नहीं चल रहा जब कोई कुछ अप्लाई किए स्किन पे। यहाँ का स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रहा है और मेरा ये वाला हैंड्स की स्किन देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा है देखने में। आप यहाँ पे भी देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं अभी फेस पे भी करके दिखा देती हूँ आप लोगों को क्योंकि कितना फ़र्क आएगा देखने में आप लोगों को। फेस का स्किन एंड हैंड्स के स्किन जो है काफ़ी अलग होता है, तो फेस पे भी करके देख लेंगे। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं फेस पे। मैं फेस के एक ही साइड अप्लाई करके आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को एक अच्छा सा अंदाजा लगे इस वजह से। और हाँ, मैंने फेस पे ज़्यादा प्रोडक्ट कुछ भी नहीं अप्लाई किया, सिर्फ बेबी क्रीम अप्लाई किए, इस वजह से मेरा फेस देख सकते हैं। तो इसी के ऊपर से मैं अप्लाई करूँगी, आप लोगों को दिखाएंगे कहाँ कितना ज़्यादा कवरेज देता है या फिर नहीं, या फिर व्हाइट होता है या कि नहीं, तो आप लोगों को दिखेगा। तो चलिए मैं अप्लाई कर लेती इसको। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा रंगोली बन चुका है। इस तरीके से आप रंग पेंट कलर में डिप करके आप रंगोली भी बना सकते हैं, जो कि मेरा यहाँ पे रंगोली बन चुका है। एंड मैं दो तीन रंगोली और बना लेती हूँ, उसके बाद मैं ब्लेंड करूँगी ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए एक ही बार में। और इस डिज़ाइन के वजह से जो है ना एकदम से ज़्यादा प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता, जितना आपका ज़रूरत है उतना ही अप्लाई हो रहा है। ये काफ़ी अच्छा चीज़ है जो कि प्रोडक्ट एकदम से वेस्ट नहीं हो रहा है। अब जल्दी जल्दी मैं करती हूँ इसको ब्लेंड। एंड ब्लेंड करने में ये जो है ना अच्छे से हो रहा है, इस वजह से मुझे ब्लेंड करने में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहा है, जिसकी वजह से मैं इसको यहाँ पर पकड़ रही हूँ एंड इसके बाद प्रेस कर रही तब तब अच्छा से हो रहा, तो हिल नहीं रहा, इस वजह से अच्छे से हो रहा है। और हाँ, ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है एकदम से राउंड है, सर्कल में है, तो ये सब एरिया में ना कॉर्नर जो एरिया है इस पर अप्लाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो उसको आपको फिंगर या फिर छोटा ब्यूटी ब्लेंडर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सो गाइस, मैंने इसको ब्लेंड कर लिए हैं एंड आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा शाइन आया हुआ है मेरे इसको अप्लाई करने के बाद। एंड आप मेरे दोनों साइड का फ़र्क देख सकते हैं, आप मेरे दोनों साइड का फ़र्क देख सकते हैं, इस साइड देख सकते हैं एंड इस साइड देख सकते हैं। ये जो साइड है काफ़ी ज़्यादा इसकी जो फेयर लग रहा है। और हाँ, आप लोगों को जो है वाइट लग रहा होगा, बट वाइट इस वजह से लग रहा है क्योंकि मैंने नेक एंड इधर एंड ईयर पे अप्लाई नहीं किए हैं। इस वजह से अगर आप पूरे फेस एंड ईयर वगैरह पर अप्लाई कर लेते ना तो एकदम से वाइट नहीं लगेगा, काफ़ी अच्छा लग रहा कलर एंड काफ़ी अच्छा सा कवरेज भी दिया है। ये जो फाउंडेशन ने काफ़ी अच्छा कवरेज दिया है एंड वाटरप्रूफ भी है, जो कि मैंने पहले दिन जब मैंने इसको ट्राई किया था उस टाइम भी चेक कर लिया था। ये मैं अभी पूरा फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ, वरना अच्छा नहीं लगेगा, एक साइड रहेगा एक साइड नहीं रहेगा, तो इधर से भी मैं जल्दी जल्दी अप्लाई कर लेती हूँ। सो गाइस, मैंने पूरे फेस पे अपना अप्लाई कर लिए हैं एंड आप देख सकते हैं फ़र्क, मेरा पहले का स्किन एंड अभी का स्किन काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। एंड मेरा अभी स्किन जो एकदम से कोरियन स्किन लग रहा है देखने में। एंड मैंने ईयर वगैरह पे सब पे अप्लाई किया था ताकि आप लोगों को समझ में आए और अच्छा लगे देखने में, इस वजह से मैंने पूरा अप्लाई कर लिए हैं। और सांवली स्किन वालों के लिए एकदम से बेस्ट प्रोडक्ट है, अगर आप एक बार अप्लाई कर लेते ना तो लगेगा आपको पार्लर जाने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, घर पर पार्लर जैसा एकदम से ग्लो आ जाएगा, जो कि आप मेरे स्किन पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ग्लो आ चुका है, एकदम से पता नहीं चल रहा है, जो कि मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया, सिर्फ मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया है और कुछ भी नहीं अप्लाई किया, बस उसमें इतना सारा ग्लो। एंड फाउंडेशन अप्लाई करने बाद आप सिर्फ थोड़ा सा ब्लश अप्लाई कर लेंगे ना तो एकदम से आपका स्किन जो एकदम से नेचुरल लगेगा, कहीं पे भी व्हाइट एंड नहीं लगेगा। और मेरे इस साइड ब्लेंड करने में मेरा यहाँ का जो काजल है देख सकते हैं मेसी हो चुका है थोड़ा सा, क्योंकि सर राउंड में था तो ऐसे ऐसे करके ब्लेंड किए इस वजह से। एंड काफ़ी अच्छा है एंड ब्लेंडर से भी काफ़ी अच्छा इजी हो जाता है ब्लेंड करने में, और फाउंडेशन तो एकदम से बेस्ट नहीं होता है। और मेरे लिए तो जो कि है एकदम से बेस्ट फाउंडेशन है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस फाउंडेशन को यूज करके। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।